actor's life. It is very difficult to handle food with actress. So क्या करना चाहिए अगर आप हो एक्टिंग या मॉडलिंग में और आप करना चाहते हो आपका डाइट परफेक्ट. हाय, गुड मॉर्निंग. आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड वेट लॉस एक्सपर्ट. आज बात करेंगे एक्टर्स, मॉडल या यू नो फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके डाइट के बारे में. बहुत बार उनके डाइट के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता या इंटरेस्ट सब लोगों को रहता है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही दिखावे की इंडस्ट्री है. मैं बहुत सुंदर इसमें दिखना भी है. सो क्या करते हैं हमारे एक्टर्स और कैसे होता है ये सब और क्या फूड उन्होंने खाना चाहिए, ये हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे. टुडे आई एम ऑन द सेट ऑफ शूट. एक साड़ी का शूट चल रहा है. मॉडल्स बहुत टाइम से तैयार होकर बैठे हैं और अभी शूट को भी बहुत लंबा टाइम है. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. फिल्म्स में या ड्रामा में भी हम देखते हैं कि पहले तैयार होना पड़ता है और देन इसके बाद आपका मौका जब आता है तब आपको वहाँ पर जाना पड़ता है. सो अगर आप ये फिल्म इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री के पार्ट हो और आप वेट लॉस या क्लिनिकल डाइट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं. नंबर वन, पानी. हाइड्रेटेड रहिए, जितना हो सके पानी आप कंज्यूम कीजिए, क्योंकि वाटर आप कंज्यूम करोगे तो डिहाइड्रेट आप होंगे नहीं. सो अगर वेट लॉस है तो आप छोटे छोटे मील्स भी इन बिटवीन प्लान कर सकते हो. जैसे कि आपको शेड्यूल पता है, आपका शूट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलने वाला है या नाइट तक चलने वाला है, तो घर से निकलने से पहले ही आप अपना ब्रंच निपटा लीजिए. ब्रंच यानी लंच और जो आपका सुबह का नाश्ता है, क्योंकि पता नहीं आप मेकअप में रहोगे, आप शूट में रहोगे तो आपको खाने को मिलेगा या नहीं. और आपका जो बैग है या आप जो कैरी करने वाले हो आपके साथ, जिसमें आपके मेकअप के भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसके साथ आप कैरी कीजिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स. फ्रूट्स आप कैरी कर सकते हैं. अगर कट करके आप लेके जाते हो तो वो आपको कटिंग चॉपिंग की झंझट नहीं रहेगी. और छोटे छोटे सीड्स जैसे पम्पकिन सीड है, वाटरमेलन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड, इवन सौफ और अजवाइन भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर शूट. छोटे 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 फूड्स हैं, लेकिन आप ये अपने साथ कैरी कीजिए. इवन अगर आपके पास एक हॉट और कोल्ड वाली जो बॉटल स्टील की आजकल अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो है उसमें आप गर्म पानी लेके जाते हो, और ग्रीन टी के बैग्स अगर आपके पास रहते हैं तो कहीं पे भी आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं. सो आपके जो बैग है वो बहुत मायने रखता है. इवन कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इल्ली है जो ड्राई रहती है, इल्ली एंड चटनी यू कैन कैरी. इवन आप पे साउथ इंडियन फूड में इवन उत्तपम एंड चीलास जो है वो भी आप कैरी कर सकते हैं. रोटी के रोल आप कैरी कर सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो एग, बॉइल्ड एग आप कैरी कर सकते हैं, जो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा उसको तामझाम नहीं लगता प्लेट कटोरी ये लेके बैठे. सो ये सिंपल चीज़ें हैं. कंट्रोल आपको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सेट पे बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती है खाने के लिए, और वो अगर आप खाते हैं और आपका किचन फूड अगर आप अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी पे दिखेगा. आपका वेट बढ़ना चालू हो जाएगा, या शायद आप बराबर नहीं खा रहे हो तो वेट ड्रॉप भी हो सकता है. बहुत कमज़ोर भी आप लग सकते हो और डेफिशिएंसीज भी आपको हो सकती है. इवन आपका टाइमिंग्स जो बीच बीच में आपको छोटा छोटा टाइम मिलता है, छोटे छोटे आपको ब्रेक्स मिलते हैं, उसमें ही आप अपना खाना निपटा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्टैमिना भी भरपूर मिलता है, आपका वज़न भी नहीं बढ़ता है, आपको हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट भी मिलता है और आप फिट भी लगते हो.
क्योंकि साथ में बहुत लोग बॉडी शेपिंग या यू नो जिमिंग भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बॉडी बहुत ब्लॉटेड ना लगे, एसिडिटी ना हो, या हम बहुत कम खा रहे हैं या बहुत बार नहीं खा रहे हैं उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस भी बहुत लोगों को हो जाते हैं। तो बेटर है आपके साथ कैरी कीजिए आपका किचन होममेड फूड, जिससे आपको राहत भी मिलेगी और आप टाइमलेस जर्नी रहता है आपका फैशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से अगर आप अटैच हो, एनी आप एक्टिंग कर रहे हो, आप डायरेक्शन में हो, यू आर हैंडलिंग द बाकी का जो सब चीज़ें है कि स्पॉट बॉय है, या आप वहाँ पे आप असिस्ट कर रहे हो किसी को, तो ईच एंड एवरी पार्ट इज़ वेरी बिजी। और क्रिएटिव वर्क है तो 11 से 5 वाला तो जॉब ये है नहीं, सो इसलिए आप अगर प्रिपेयर रहते हो विथ योर फूड बैग तो आपको वो ज़रूर काम में आएगा। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, फूड बैग में हमेशा सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, वाटर, टी बैग्स, ग्रीन टी की, और थोड़ा सा फुटाना, पीनट्स, ये ज़रूर रखिए, एग वाइट, जो हैंडी चीज़ें हैं, और इसका एक शेड्यूल बना लीजिए सो एज वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। सो स्टे ट्यून टू फूड टॉक बाय डॉक्टर सोनल कोलते। अगली बार पक्का कोई नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊँगी और डाइट के अच्छे अच्छे टिप्स भी मैं आपको दूँगी। तो देखते रहिए और हमें कमेंट लिखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।